नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तारीफ पर भारतीय सियासत कैसे गर्मा गई है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में तालिबान कैसे खलल डाल सकता है, जानेंगे देश दुनिया की और भी बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के पोरबंदर से पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट का दाऊद कनेक्शन सामने आ रहा है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी बोट से बरामद ड्रग्स का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है। सूत्रों की माने तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्टल एरिया में दाऊद की डी कंपनी का नेटवर्क बेहद ही मजबूत है। इस बोट से भी ड्रग्स उतारने और चढ़ाने की जिम्मेदारी डी कंपनी के पास थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जिन 8 पाकिस्तानियों को बोट से पकड़ा गया है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसमें ड्रग्स है। सोमवार रात पोरबंदर से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी बोट पकड़ी थी। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली ने खुलासा किया है कि उसने मुंबई हमले के बाद लश्कर से स्थायी तौर से जुड़ने का फैसला कर लिया था। इसका खुलासा उस संस्करण में हुआ है जो हेडली ने जेल में रहने के दौरान लिखा था। हेडली ने जिक्र किया है कि वो कश्मीर की आजादी को लेकर लश्कर के समर्पण से बेहद ही प्रभावित था। इतना ही नहीं, लश्कर के साथ काम करते हुए उसने अमेरिकी पासपोर्ट का इस्तेमाल भारत दौरे के लिए किया। हेडली के मुताबिक वो साल 2000 में पाकिस्तान दौरे में लश्कर के संपर्क में आया और फिर लश्कर की सालाना बैठक में भी शामिल हुआ। हेडली ने 2002 में लश्कर के कैंप में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन उससे पाकिस्तानी पिता और अमेरिकी मां से मिले नाम दाऊद गिलानी को बदलने की मांग की गई थी। हेडली के मुताबिक उसने डेविड नाम चुना। कोलमैन उसके दादा का नाम था और हेडली शादी से पहले उसकी मां का नाम था। हेडली मुंबई हमले के मामले में अमेरिका में 35 साल से जेल की सजा काट रहा है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी की सुरक्षा इन दिनों पाकिस्तान सेना के कमांडो कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लखवी इस वक्त लाहौर के निकट एक घर में ठहरा हुआ है और सादी वर्दी में तैनात पाक सेना के कमांडो उसकी सुरक्षा में लगे हैं। 10 अप्रैल को लखवी रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा हुआ था। पाकिस्तान हमेशा इस बात को नकारता रहा है कि वो आतंक का समर्थन करता है, लेकिन दुनिया देख चुकी है कि किस तरह हाफिज सईद वहां खुलेआम रैलियां करता है और लखवी की रिहाई पर जश्न मनाया जाता है। अफगान तालिबान ने 24 अप्रैल से देश में फिर से हमलों की घोषणा की है। तालिबान के इस चेतावनी के आतंकी हमलों की आशंका बढ़ गई है। तालिबान की तरफ से घोषणा ऐसे वक्त पर की गई है जबकि अमेरिकी सेना की वहां से वापसी हो रही है। तालिबान लगातार अफगानिस्तान में तैनात विदेशी सुरक्षा बलों का विरोध करता रहा है। हालांकि अब भी करीब 9000 अमेरिकी सैनिक ट्रेनिंग के लिए वहां पर हैं। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बीते 2-3 सालों में तालिबान ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की है। भारतीय नागरिक सुरेश भाई पटेल पर हमले के आरोपी पुलिस अधिकारी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। 26 साल के एरिक सोलन पार्कर जब मंगलवार को फेडरल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने ना तो कोई गलती की है और न ही मानवाधिकारों का हनन किया है। एलिन पार्कर पर सुरेश भाई पटेल की बिना वजह पिटाई करने का आरोप है। अलबामा पुलिस ने सुरेश भाई पटेल को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो पैरालाइज्ड हो गए थे और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुलिस वाले सुरेश भाई पटेल को पीटते हुए नजर आ रहे थे। आरोप साबित होने पर आरोपी एरिक पार्कर को 10 साल जेल में बिताने होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास हुई बस दुर्घटना में 17 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई जबकि हादसे में 28 लोग जख्मी हुए हैं। बस गुजरात की थी जो काठमांडू में नागडूंगा में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस में सवार सभी लोग गुजरात के अमरेली के रहने वाले थे जो पशुपतिनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे में जख्मी हुए लोगों को काठमांडू के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। नेपाल में हुई सड़क दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपने 42 साल पुराने असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते में बुधवार को संशोधन किया है जिसके बाद दक्षिण कोरिया भविष्य में परमाणु ईंधन का दोबारा इस्तेमाल कर सकेगा। दोनों देशों की सरकार ने इस समझौते पर अक्टूबर 2010 में बातचीत शुरू की थी और यह परमाणु समझौता साल 1974 में हुआ था जो मार्च 2014 में खत्म हो गया था।
दक्षिण कोरिया अपने कुल बिजली उत्पादन का एक चौथाई न्यूक्लियर रिएक्टर के सहारे करता है और वहीं अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि भविष्य में परमाणु ईंधन की तकनीक की मांग करने वाले देशों को रोकना मुश्किल होगा। फ्रांस में पुलिस ने एक या दो चर्चों पर हमला करने की साजिश रचने के शक में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। फ्रांस के गृहमंत्री बर्नार्ड काजनेव ने बताया कि इस शख्स को रविवार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 24 साल के आईटी स्टूडेंट को राजधानी पेरिस में गिरफ्तार किया गया और इतना ही नहीं, पुलिस ने उसकी कार में बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। गिरफ्तार किए गए शख्स पर एक पारसी महिला की हत्या का भी शक है और इसी साल जनवरी में पेरिस में चार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर लगातार तीसरे दिन भी चक्रवाती तूफान का कहर जारी रहा। तूफान की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग के मुताबिक सिडनी के उत्तरी तट पर एक और चक्रवात उठ रहा है और जिससे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान और बारिश की वजह से अब तक कई घरों को नुकसान पहुंचा है जबकि हजारों घरों में बिजली गुल है। तूफान की वजह से सिडनी के रेल नेटवर्क पर भी असर पड़ा है और खराब मौसम के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। ब्राजील के दक्षिण में बसे सेंटा कैटरीना शहर पर चक्रवाती तूफान की मार पड़ी है। तूफान के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 120 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक चक्रवाती तूफान ने 2600 घरों को नुकसान पहुंचाया है और 1000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। तूफान की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे हैं और करीब 2 लाख लोग अंधेरे में रात बिताने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि शहर से टकराते वक्त तूफान की रफ्तार करीब 330 किलोमीटर प्रति घंटा थी और फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। तो ये थी 10 बड़ी खबरें और अब बात करते हैं भारतीय सियासत की, अमेरिकी कनेक्शन की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय पीएम की तारीफ की। ये तारीफ सत्ता पक्ष को खूब पसंद आई लेकिन विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस तारीफ पर पीएम मोदी की तुलना मिखाइल गोर्बाचेव से की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो बीजेपी के नेता गदगद हो उठे और अपना ए ग्रेड सर्टिफिकेट विपक्ष को दिखाने में जुट गए। लेकिन जी संगम ने आपको मंगलवार को ही इस तारीफ का पोस्टमार्टम दिखा दिया था कि दरअसल ये तारीफ तारीफ नहीं, भारत के लिए खतरे की घंटी है और ये खतरा पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस पर भी मंडरा रहा है। दरअसल टाइम मैगजीन में लिखे लेख में ओबामा ने मोदी को रिफॉर्म इन चीफ यानी बदलाव का मुखिया बताया था लेकिन अमेरिका के शहद में घुले ये बोल दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निकले हैं। खुद को दुनिया की राजनीति का प्रिंसिपल समझने वाला अमेरिका किसी की तारीफ यूं ही नहीं करता। ये बात भले ही बीजेपी नजरअंदाज कर दे लेकिन अब भारत में सियासत गर्मा चुकी है। करीब 59 दिन की छुट्टियां बिताकर लौटे राहुल गांधी का आत्मचिंतन काम आ रहा है और उन्होंने मोदी की तारीफ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल ने पीएम मोदी की तारीफ की तुलना सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचेव से की है। आपको याद दिला दें कि एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रहे सोवियत यूनियन का विघटन भी मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में रहते ही हुआ था और राहुल ने इस बात का जिक्र किया है। कल शाम को मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर में था और मैंने टाइम मैगजीन देखी और टाइम मैगजीन के अंदर ओबामा जी ने, छोटे आदमी नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ओबामा जी ने मोदी जी की प्रशंसा की, बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है। दुनिया के सबसे बड़े उद्योग अमेरिका में हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार 60 साल में पहली बार हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की ऐसी प्रशंसा की है। शायद गोर्बाचेव से पहले, गोर्बाचेव के बाद ऐसी प्रशंसा उन्होंने किसी की नहीं की है। हाँ, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति गोर्बाचेव की प्रशंसा करते थे क्योंकि गोर्बाचेव जी ने अमेरिका की मदद की। राहुल का ये बयान भले ही सियासत से प्रेरित हो लेकिन कहीं न कहीं इसमें सच्चाई जरूर है। संसद से बाहर निकलते समय जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से इस तुलना का मतलब पूछा तो उन्होंने सटीक जवाब दिया।
आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैंने गॉर्बचोव जी की बात क्यों की। मैंने गॉर्बचोव जी की इसलिए बात की क्योंकि अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति जी ने गॉर्बचोव जी की प्रशंसा की थी जब गॉर्बचोव जी पूरे ने मुझका प्राइवेटाइज जब गॉर्बचोव जी अमेरिका की एक तरह से मदद कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने येल्सिन की बहुत प्रशंसा की जब येल्सिन जी ने पूरे देश की जो कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया। साफ है राहुल गांधी देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका ने सोवियत संघ का राष्ट्रपति रहते हुए मिखाइल गोर्बाचेव का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया, ठीक वैसा ही अमेरिका पीएम मोदी के साथ कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने राहुल के बयान को हताशा और निराशा करा दिया है। अब ऐसा है कि 44 के आने के बाद हताश राहुल गांधी 59 दिन तक भारत के बाहर आत्मचिंतन करने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के अंदर शायद गलत बयानी से ही जोश भरे, लेकिन देश की जनता कांग्रेस से दूर चली गई। इस बीच राहुल शायद इस बात को भूल गए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी इंटेलिजेंस के कसीदे ओबामा ने खूब पढ़े थे और सोनिया गांधी की तारीफें टाइम मैगजीन ने भी की थी और ये तारीफ 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खा गई। ऐसे में बीजेपी बजाय विरोध के अपने विपक्षी की शुभ सलाह को पॉजिटिव तरीके से ले तो ये सकारात्मक राजनीति काम आ जाएगी। दीपांकर भट्ट के साथ प्रतीति पांडे, जी मीडिया। अमेरिका पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे गढ़ रहा है। जो ओबामा उनके कटु आलोचक थे आज उनकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन ओबामा की इस मीठी तारीफ के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या अमेरिका की तारीफ के बगैर भारत में लोकप्रियता और सुशासन का कोई पैमाना तय नहीं किया जा सकता? क्यों जरूर अमेरिका की तारीफ? क्या अमेरिका की तारीफ योग्यता का सर्टिफिकेट है? क्या मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अमेरिकी प्रशंसा पत्र के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज बंद करना चाहते हैं? जो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे एक दशक तक अमेरिकी विरोध का सामना करते रहे और तमाम प्रयासों के बावजूद अमेरिकी वीजा हासिल करने में नाकाम रहे, आज वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिकी मेजबानी और मेहमानवाजी से इतना प्रभावित क्यों है? नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को अमेरिकी प्रशंसा से गदगद होने के बजाय उसकी मंशा पर नजर डालनी चाहिए। ये वही अमेरिका है जो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की योग्यता, सादगी और नीतियों की खुले दिल से तारीफ करता रहा और तारीफ करके अमेरिकी नीतियों को भारतीय सरजमी पर थोपता रहा। साल 2009 में ओबामा ने मनमोहन सिंह को बहुत बुद्धिमान और एक अच्छा इंसान कहकर तारीफ की। साल 2010 में G20 समिट के दौरान ओबामा ने एक बार फिर कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ है, इसीलिए भारत विश्व शांति और उत्थान की तरफ बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी इस अमेरिकी प्रशंसा के आदि हो गए, लिहाजा भारतीय जनमानस की भावनाओं को नहीं समझ पाए और परिणाम 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ा। मौजूदा राष्ट्रपति ओबामा ने सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की बल्कि ओबामा इटली के मतियो रेंजी को लीडिंग वॉइस ऑफ यूरोप कह चुके हैं। ओबामा इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्दी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन की प्रशंसा भी एक अच्छे नेता के तौर पर कर चुके हैं। अपनी कूटनीतिक चालबाजी के चलते अमेरिका हमेशा से दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को अपने जाल में फंसाता रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव को अपने जाल में फंसाकर अमेरिका ने सोवियत रूस का विघटन तक करा दिया और बदले में गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज दिया। इराक, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी दादागिरी बनाए हुए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास की इस कड़वी सच्चाई से अवश्य सबक लेना चाहिए और 11 महीनों में 14 मुल्कों का दौरा करके भारतीय प्रधानमंत्री को सबसे पहले देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1974 में आई मशहूर फिल्म रोटी के उस सदाबहार गीत ये पब्लिक है पर जरूर गौर फरमाना चाहिए। पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।
अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक। देश की जनता आंतरिक समस्याओं को लेकर इस कदर बेजार है कि उसको अब सपनों के सौदागरों से कोई लेना देना नहीं, उसको अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान चाहिए। अच्छे दिन की उम्मीद में बैठी अपने देश की जनता के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है। आखिर राहुल गांधी ने मोदी की तुलना के लिए सोवियत रूस के राष्ट्रपति रहे मिखाइल गोर्बाचोफ को ही क्यों चुना, और मिखाइल गोर्बाचोफ पर अमेरिका के प्रभाव की वजह से उन्हें और रूस को क्या बुरे नतीजे भुगतने पड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तारीफ किसी धीमे जहर से कम नहीं होती, क्योंकि चाशनी में लिपटे हरफों के पीछे बड़ी बड़ी कूटनीतिक चालें होती हैं, जिसे उसने जब भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष पर इस्तेमाल किया, या तो नुकसान देश का हुआ या फिर उस नेता का। अगर आज रूस अमेरिका का दुश्मन बन बैठा है तो उसके पीछे अमेरिका की वही चाशनी लिपटी तारीफें हैं, जिन्होंने सोवियत यूनियन के दौर में तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोफ को भनक भी नहीं लगने दी और उनकी नीतियों पर अमेरिकी प्रभाव दिखने लगा। मुख्य रूप से गोर्बाचोफ की दो नीतियां थी, पेरेस्टोरिका और ग्लासनोस्ट, जिसमें पेरेस्टोरिका का मतलब पुनर्निर्माण और ग्लासनोस्ट का मतलब खुला बाजार था। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया और पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मिखाइल गोर्बाचोफ की पेरेस्टोरिका यानी पुनर्निर्माण की नीति सफल रही, लेकिन ग्लासनोस्ट यानी उदारवाद को उतनी सफलता नहीं मिली, बल्कि इस नीति से सोवियत यूनियन के देशों को प्रदर्शनों का मौका मिला। आखिरकार 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचोव क्रीमिया में छुट्टी पर थे तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जहां मॉस्को में बोरिस येल्सिन ने सत्ता संभाली तो वहीं बेलारूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने मिलकर सोवियत यूनियन को खत्म कर दिया। तब अमेरिका कहीं भी नजर नहीं आया, बल्कि इस वक्त यूक्रेन के मामले को तूल देने में अमेरिका ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। अगर यूरोपीय संघ उस बेलआउट पैकेज के पीछे छिपे हंगामे को समझता था तो उसे रूस और यूक्रेन के मामले को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, जो उसने अमेरिका के प्रभाव में आकर किया। प्रतिदीप पांडे के साथ दीपांकर भट्ट, जिमी। एक तरफ चीन और पाकिस्तान ने अपनी नजदीकियां सरेआम कर दी तो वहीं दूसरी ओर उसी वक्त में तहरीकी तालिबान अपनी मिसाइल बना चुका था, जिसका ऐलान उसने एक वीडियो के जरिए किया। ये वीडियो पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाला है और साथ ही चीन की भी, क्योंकि चरमपंथ दोनों ही देशों की समस्या है। जिस वक्त पाकिस्तान चीन के साथ $46 बिलियन के समझौतों का जश्न मना रहा था, तहरीकी तालिबान पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर दुनिया हैरान है, और सबसे ज्यादा परेशानी तो चीन को ही हो रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नजदीकी की वजह से चीन तहरीके तालिबान का निशाना बन सकता है। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इस मिसाइल को तैयार करते हुए देखा जा सकता है। इस मिसाइल के पुर्जों को आसानी से जोड़ा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर पुर्जों को अलग अलग भी किया जा सकता है। ये मिसाइल अलग अलग पुर्जों में छिपाकर ले जाया जा सकता है। तालिबान का ये कारनामा इसलिए भी पाकिस्तान को परेशान करने वाला है, क्योंकि चीन के साथ आर्थिक कॉरिडोर के समझौते के बाद स्वाभाविक तौर पर चीनी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में पहुंचेंगे ही। ऐसे में पाकिस्तान के अंदरूनी आतंकवाद का यह खूंखार चेहरा चीन के नागरिकों को अपना निशाना बनाने से नहीं चुकेगा। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स गठित करने की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी स्पेशलाइजेशन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, जब वहां दिन दहाड़े 16 दिसंबर 2014 जैसी घटनाएं अंजाम लेती रही हो। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान के बीच लंबे वक्त से जंग चल रही है, और पाकिस्तानी सेना ने अब तक 2000 तालिबानी लड़ाकों को मारने का दावा किया है।
लेकिन इस मिसाइल के परीक्षण के बाद तहरीक तालिबान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अब दुश्मन के लिए बचना आसान नहीं होगा। 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी स्कूल पर तहरीक तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने वजीरिस्तान में अपने ऑपरेशन तेज कर दिए, लेकिन ऐसे ऑपरेशन के बाद भी तालिबान की बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब इन खबरों से अलग बात, एक बेहद ही लजीज फल की। गर्मियों का मौसम है और तरबूज देखते ही मन करता है कि जल्द से जल्द उसे ठंडा कर खा लिया जाए। लेकिन क्या आप कभी आपने सोचा है कि तरबूज को देखकर किसी को ड्रैगन की भी याद आ सकती है? देखिए इस रिपोर्ट में। शायद ही कोई हो जिसे तरबूज पसंद ना हो। अरे भाई, होते ही इतने यमी और रिफ्रेशिंग जो है। लेकिन ये हो क्या रहा है? भला तरबूज का छिलका ऐसे कौन उतारता है? तो आपको बता दें कि यहाँ एक शख्स है जिसे तरबूज को देखकर उसमें आर्ट नजर आ रही है। तरबूज भूख भी मिटाएगा, तरबूज जो अलग भी दिखेगा। देखिए कैसे वाटरमेलन पर कभी चाकू से लकीरें खींची जा रही हैं, तो कभी पीलर की मदद से इसे अलग शेप देने की कोशिश हो रही है। और इस सब के बाद अचानक से लग रहा है कि मानो इस तरबूज की आंखें हो। चलिए अब कम से कम ये समझ तो आया कि इस तरबूज को एक खास शक्ल दी जा रही है। एक नोकीली चीज की मदद से कोई जमकर कुछ खास करने की कोशिश में है। वक्त मिल रहा है तो वो बीच बीच में तरबूज खा भी रहा है। और देखिए अब यहाँ खास तरह की कटिंग हो रही है, मानो जैसे एकदम शार्प दांत हो। और चलिए अब राज खोलते हैं। देखिए यहाँ कड़ी मेहनत से कुछ ऐसा बनाया गया जिसे खाना तो दूर की बात है, उससे डर लग जाए, क्योंकि सामने आ गया है तरबूज वाला ड्रैगन। दरअसल ये कारनामा है आर्टिस्ट वैलरियानो का,